सुबह सुबह उठकर मुख्य द्वार पर जो मनुष्य ये तीन काम करेगा उसके घर पर कभी भी कोई टोक या नज़र नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा सदैव आपका कल्याण करे, आपके घर में खुशियों का मेला हमेशा लगता रहे। मित्रों, यह सुबह सुबह मैं आपके लिए दुआ और आशीर्वाद भेजती हूँ। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन भी जरूर दबा दीजिए। आज का जो वीडियो है बहुत खास होने वाला है, बहुत संक्षेप में आपको बता रही हूँ लेकिन बहुत काम का है। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत से भाई बहन कहते हैं कि हमारे घर पर बार बार नज़र लग जाती है, बार बार टोक लग जाती है, बहुत कोशिश के बाद भी घर में बरकत नहीं हो रही है। तो आज जो उपाय बता रही हूँ इसको एक बार आप ट्राई कीजिएगा। वैसे मैं बहुत सारे उपाय पहले बता चुकी हूँ जिनसे आपको फ़र्क पड़ा है, लेकिन ये भी ट्राई कीजिए एक बार, इससे भी आपको निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा। सुबह सुबह उठकर सबसे पहले घर की झाड़ू लगानी चाहिए, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, और घर का जो कचरा है मुख्य द्वार से बाहर कर देना चाहिए। कई लोग घर के भीतर ही कचरा इकट्ठा करते हैं, कई बार तो मेड भी ये गलती करती है कि हमने देखा है ये चीज़ कि झाड़ू लगाकर कचरा बाहर ले आती है, फिर वापस उसको डस्टबिन में भरकर अंदर ले जाती है, जो काफ़ी गलत है। अगर आपके घर में भी ये गलती हो रही है तो इसको तुरंत ही आप रोक दीजिएगा। इसके अलावा जो दूसरी सबसे खास चीज़ है वो ये है कि पूजा घर में जो लोटा जल से भरकर आप रखते हैं उसका छिड़काव अगले दिन अपने मुख्य द्वार पर अवश्य ही करें। ऐसा करने से जिस जगह हम मतलब पानी छिड़क देते हैं ना, उस जगह की नेगेटिविटी तुरंत समाप्त हो जाती है। जल है तो जीवन, ऐसा कहा जाता है ना, तो जल होता है बहुत पावरफुल और जल सब प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो पूजा के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उसके बाद आप उसको अपने मुख्य द्वार पर छिड़क दीजिए, तो ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मकता का प्रवेश नहीं हो पाएगा। मुख्य द्वार पर खड़े होकर 2 मिनट भगवान का नमन करें, जो द्वार गणपति हैं उनको प्रणाम करें, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने लगेगा। इसके अलावा हल्दी का स्वास्तिक मैं बनाना बता चुकी हूँ आपको, और उसको बनाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा कल वाले वीडियो को भी आप देखिएगा पूरा, जिसमें मैंने गोंद, लौंग का चूरा और हल्दी के बारे में बताया है, उससे स्वास्तिक बनाकर भी आप देखिए बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ने लगेगा। इसके अलावा मुख्य द्वार पर शनिवार को नींबू मिर्ची लटकाने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मुख्य द्वार पर यदि बहुत ज़्यादा बाधा आ रही है तो घर के सभी सदस्यों के ऊपर से एक नारियल उसारें और उसको मुख्य द्वार पर तोड़ दीजिए उसको, और उसके बाद चौराहे पर डालकर आ जाइए। ऐसा करने से भी आपकी सारी समस्या दूर होने लगती है, राहु के दुष्प्रभाव भी समाप्त होने लगते हैं। तो इस तरह से आप अपने मुख्य द्वार पर सुबह सुबह ये काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मुख्य द्वार पर सुबह सुबह पीले चावल बिखेर दीजिए, उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ने लगेगा। पीली सरसों भी आप छिड़क सकते हैं, ये चीज़ें बहुत ही बरकत और उन्नति को देने वाली है और घर से हर तरह की समस्या को दूर करने वाली होती है। घर में नकारात्मक एनर्जी बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाती, जिसकी वजह से घर के सभी लोगों का दिमाग संतुलित रहता है और उनमें आपस में प्यार और सद्भाव बना रहता है। कई बार ऐसा होता है ना कि घर के लोग बाहर की बातें तो मान लेते हैं, घर वाले कुछ बोलें तो काटने को दौड़ते हैं, ये स्थिति भी नकारात्मक एनर्जी की वजह से होती है। तो अगर आपके घर के सदस्य भी ऐसा करते हैं तो आप अपने मुख्य द्वार पर ये काम करना चालू कर दीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम थोड़े ही दिन में समाप्त हो जाएगी।